हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था टॉपिक टाइप्स ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को हमने डिवाइड किया था इन टू पार्ट्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पहले हमने प्राइवेट सेक्टर का डिवीजन किया है इन कॉरपोरेट एंड कॉरपोरेट सेक्टर। इन कॉरपोरेट के हम थ्री पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। इन कॉरपोरेटिंग का नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये बिजनेस और बिजनेसमैन की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, दे आर द सेम पर्सन। नाउ कम टू इन कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है बच्चे? दिस फर्स्ट टॉपिक इज कॉपरेटिव सोसाइटीज। हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को फर्दर डिवाइड किया है इन कॉपरेटिव एंड कंपनीज। सो कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, दैट इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। कॉपरेटिव सोसाइटीज, एज यू कैन सी, कॉपरेटिव सोसाइटीज में ही वर्ड है कॉपरेट, टू कॉपरेट विद ईच अदर, दैट्स द वर्ड। एंड कॉपरेटिव सोसाइटीज भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, हाउ टू कॉपरेट विद ईच अदर, टू वर्क विद ईच अदर विलिंगली। एंड कॉपरेटिव सोसाइटीज भी एक वॉलेंट्रली एसोसिएशन है, वॉलेंट्री एसोसिएशन, जिसमें लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक ग्रुप बनाते हैं। और किस लिए काम करते हैं? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। कॉपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि लोग, जिनको हम मेंबर्स बोलते हैं उस सोसाइटी के, दे कम टुगेदर, दे फॉर्म एन एसोसिएशन, एंड देन दे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट या फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की बेनिफिट के लिए इसमें काम किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए, सारे मेंबर्स आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, पैसा कहाँ से आएगा? दे कलेक्ट देयर कैपिटल। कैपिटल कैसे कलेक्ट करते हैं? शेयर्स को बेचते हैं, और वो शेयर्स वही मेंबर खुद खरीदते हैं। इससे क्या होता है, मिडिल मैन जो होता है वो एलिमिनेट हो गया, जैसे ब्रोकर, एजेंट, कमीशन, ये सब हमारे एलिमिनेट हो गए, डायरेक्ट मेंबर ही आपस में डील करते हैं। उसके बाद जो पैसा आता है, वो उस पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं रखते हैं, मतलब अपना कोई उससे पर्सनल बेनिफिट नहीं करना, वो उस पैसे को उस वीकर सेक्शन के लिए रखते हैं जो अपना बाहर से लोन या मनी कलेक्ट नहीं कर सकते और उनको पैसे की ज्यादा जरूरत है। दैट्स हाउ दे प्रोवाइड देम लोन एट अ वेरी लो इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, एक सोसाइटी बनी होती है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, और लोगों को बेनिफिट, मतलब एट द टाइम व्हेन दे नीड मनी, उनकी वो जरूरत ये सोसाइटीज पूरी करती हैं। नाउ कॉपरेटिव सोसाइटीज को हमने कॉपरेट सेक्टर में क्यों रखा है? बिकॉज दे हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मीन्स जो इनके मेंबर्स हैं वो, और जो ये कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। दैट्स वाई कॉपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, और इनको मैनेज, इनका रजिस्ट्रेशन, इनकी देखरेख, कंट्रोल कौन एक्ट करता है, कौन सा एक्ट है? दैट इज द कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। I'll write for you Cooperative Societies Act 1912। इसके अंडर जो सोसाइटीज रजिस्टर हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, फिर एक सेपरेट एंटिटी बन जाती हैं। सो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। लेट्स डिस्कस नाउ द फीचर्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज। जस्ट जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसी से हम फीचर्स लिख लेंगे। द वेरी फर्स्ट इज, इट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। हाउ? जैसे ये रजिस्टर हुई, अब इसका एक खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी बन गई है। नाउ इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, एंड देन इट्स अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी बच्चे इसमें कैसे है, द मेंबर्स आर चोजन। जो इसमें मैनेजमेंट करते हैं, जो इस सोसाइटी को मैनेज करेंगे, वो मेंबर्स चूज किए जाते हैं थ्रू वोट। जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने में से कुछ मेंबर्स को वोट देते हैं, और बाद में वो एक मैनेजिंग कमेटी बन जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। सो यस, इट्स अ डेमोक्रेटिक वे, फेयर वे, जिससे कि बायसनेस नहीं आती है। इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, जिसको ज्यादा वोट मिली, जो लोगों के अमंग फेमस है, पॉपुलर है, वो इसका मेंबर बनेगा। लोगों का जिस मेंबर पे ज्यादा विश्वास है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट को हैंडल करता है। द नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कॉपरेटिव सोसाइटीज, एज यू कैन सी, इट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो ये मेंबर से अलग कंसेप्ट हो गया है। अगर कॉपरेटिव सोसाइटी कल कोई भी लॉस, फेलियर या कोई भी ऐसी चीज फेस करेगी, तो उसको पूरा कहाँ से किया जाएगा? जो
कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल इकट्ठी हुई है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑलरेडी अकाउंट में पैसा है उसी से ही, लोगों की पर्सनल लाइबिलिटीज या पर्सनल थिंग्स को यूज नहीं किया जाएगा। देन इज फ्री एंटिटी एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एंट्री करना, एग्जिट करना, इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर और इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ मेंबर, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड इट्स वेरी फ्री प्रोसीजर, वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसमें आपको कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं, कुछ अपना शेयर दीजिए या शेयर कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के शेयर को खरीदिए एंड यू विल बिकम द मेंबर। नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आप नेक्स्ट नेम या इसका दूसरा नाम समझना चाहते हो तो इट्स अ सोशल वेलफेयर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ये बनाई जाती है, सोसाइटी के लोगों द्वारा ही होती है और सोसाइटी के लोग ही इसके मेंबर्स होते हैं। बेनिफिट भी सोसाइटी का होता है, कोई भी इसमें एम पर्सनल प्रॉफिट का नहीं होता। अगर इसमें पर्सनल प्रॉफिट आ गया तो इसका कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा और ये एक कंपनी एंटिटी बन जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द नेम सजेस्टिंग कोऑपरेट करके सोसाइटी को अपलिफ्ट या बेनिफिट देना। नेक्स्ट इज टाइप्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप अपने अगर इर्द गिर्द देखेंगे तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कैसे? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, मतलब हर ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई हैं और ये उस सेक्शन को ही बेनिफिट देती हैं, उस सेक्शन की जरूरतों को पूरा करती हैं। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा, तो अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका एम क्या होगा? लोगों की हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दोज हु नीड हाउस, जिनको एकदम से एक घर की ज़रूरत है, खरीदना है या घर उन्होंने देख लिया बट उसके लिए पैसे नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगी? वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज उस पर्टिकुलर थिंग के लिए बनाई गई है, दैट सोसाइटी। बट वो भी कब? जब आप उसके मेंबर हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाउ नीड्स अ रजिस्ट्रेशन नंबर टू बिकम अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एंड अगर उनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी असेंशियल। और ये रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होता है? एक्ट अंडर 1912। दीज आर द फीचर्स। नाउ कम टू व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है। अब अगर आपसे कोई इनकी मेरिट पूछे कि आपको इसके प्लस पॉइंट क्या लगते हैं, तो वेरी इजी। फर्स्ट इज इट्स इजी टू फॉर्म, मतलब इसमें आपको देर इज नॉट सच अ टेक्निकल प्रोसीजर कि आपको पहले ये करना है, देन ये करना है, ये कागज इकट्ठा करना है, नथिंग। इफ यू हैव प्लस 10 मेंबर्स, इसमें 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास 10 मेंबर्स का एक ग्रुप बन गया है तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, इट्स अ प्लस पॉइंट। मीन्स आपकी पर्सनल थिंग्स, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट बी यूज टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड दैट्स व्हाई यू फील सेफ। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टेबिलिटी मतलब इसका लॉन्ग टर्म रहना होता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, ओके? किसी की डेथ हो जाती है या कोई इल है, सिक है, बीमार है या एनी रीजन से इंसॉल्वेंट है या मेंबर्स बाहर निकलना चाहते हैं, हो सकते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज इट इज रहेगी। तो एक स्टेबिलिटी है, मेंबर्स का विश्वास बना रहता है। देन इज इक्वालिटी इन वोटिंग। आई टोल्ड यू इट्स अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सोसाइटी का है और इसमें जो इलेक्शन होता है या मेंबर्स चूज किए जाते हैं वहां पर क्या है, वोटिंग इज वन मैन वन वोट। सेम वे जैसे हमारी कंट्री में हर पर्सन को अपना एक हक है वोट करने का, यहाँ पर भी मेंबर्स फील सेफ एंड दे फील यस कि उनकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, उनका वोट भी मैटर करता है। देन इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए, सरकार क्या चाहती है? सोसाइटी लोगों की जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल करे, और अगर उनकी इस चीज में हेल्प एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है तो गवर्नमेंट व्हाई नॉट इट विल हेल्प दैट। यस, तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत इनिशिएट करती हैं, उनको बहुत हेल्प करती हैं। कैसे? सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती हैं या कई बार उनको जब खुद से अंदर कैपिटल की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट अपना शेयर दे देती है। बहुत जगह जहां पर उनको एक नीड होती है, किसी पर्टिकुलर लाइक लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग की या कोई अदर थिंग, तो गवर्नमेंट उसमें कम्प्लीटली हेल्प करती है, अपना रोल प्ले करती है। दैट्स वाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज गेट अ फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देन इज सोशल पर्पज़।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इफ दे वांट टू रिमेन इन द सोसाइटी दे हैव टू हेल्प द सोसाइटी. उनको सोशल पर्पस पूरा करना ही पड़ेगा. जो वीकर सेक्शन है उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी और दैट्स वाई उनका जो सोशल पर्पस है वो एक प्लस पॉइंट होता है इनकी एग्जिस्टेंस में. और लोगों का एक बिलीफ होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर हमारी कंट्री में हैं या हमारे इर्द गिर्द एरिया में हैं तो हम बेटर बेटर होते जाएंगे. नेक्स्ट इज मोनेट्री ब्लेसिंग. एज आई टोल्ड यू सोशल पर्पस है तो हर कोई लोग ये सोचता है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ही पैसा लगाएं अगर हमें सोशल पर्पस करना है, क्योंकि उनका बिलीफ है कि हमारा पैसा अगर हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन एक एसोसिएशन में देंगे तो वो पैसा डायरेक्ट हेल्प के लिए ही जाएगा. एंड इट्स अ ब्लेसिंग. जो हमारी कंट्री इंडिया है यहाँ पर लोग बहुत ही सोशल पर्पस के लिए तैयार रहते हैं. दे वांट कि हम थोड़ा पुण्य कमाएं. दैट्स व्हाई दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज उन लोगों के लिए है. दोज हु वांट टू हेल्प द वीकर सेक्शन दे कैन कम एंड गिव देयर मनी सो दैट दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर द बेटर अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअरर सेक्शन. तो दैट्स द मॉनेटरी ब्लेसिंग. हर कोई इसमें पैसा लगाने के लिए रेडी है. देन इट्स डीमेरिट. अगर हम अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो येस, अगर किसी भी चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव भी होंगे. सो लेट्स डिस्कस देम. द फर्स्ट इज कंफ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स. एज आई सेड ये एक एसोसिएशन है, लोगों का ग्रुप होता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे. इसलिए इंटरनल डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है. बिकॉज जब आपके खुद के ही थॉट्स मैच नहीं करेंगे तो हाउ विल यू हेल्प द सोसाइटी. नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्राइवेसी. एज यू कैन सी ऑल दो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये एक ओपन एसोसिएशन होती है, एनी मेम्बर में कम एंड गो, बट फॉर द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें हमें प्राइवेसी रखने की ज़रूरत है. बट इफ़ मेम्बर्स कहीं से भी कोई भी आएगा तो प्राइवेसी लीक होने के या कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. देन इज लैक ऑफ एफिशियंसी. इट्स अ ग्रुप ऑफ मेम्बर आई सेड बट नॉट अ ग्रुप ऑफ एफिशियंट पीपल. लाइक कंपनी में हम एफिशिएंट लोग होते हैं बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन एफिशिएंट हो इन दैट फील्ड. इसलिए एफिशिएंसी लैक करती ही करती है जिसका हार्म मैनेजमेंट पर पड़ेगा. दैट्स व्हाई अ नेक्स्ट पॉइंट इज इनकैपेबल मैनेजमेंट. जो कि एफिशिएंसी से मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ता है. मैनेजमेंट इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हायर पीक पर ले जाए. देन इज गवर्नमेंट कंट्रोल. अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो ऑब्वियसली कंट्रोल भी पूरा पूरा होगा. गवर्नमेंट टाइमली हर बार अपने चेक्स इंस्पेक्शन रखती रहती है जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रीली अपना काम नहीं कर पाती और उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल रहना पड़ता है, अकाउंटेबल है. गवर्नमेंट कुछ भी कभी भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती है, वेरीफिकेशन के लिए उनको कर सकती है. तो इट्स गवर्नमेंट कंट्रोल एक तरीके से उनको हार्म करता है. देन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. आई सेड यू कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लोग आने के लिए तैयार हैं बट जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो कम ही मिल पाते हैं. ऑल्दो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट होती है जो कि इन रिसोर्सेज को फुलफिल कर देती है, बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यू ऑलवेज सी. मैनेजमेंट की आई टोल्ड यू एफिशिएंट पीपल की कमी है तो ये रिसोर्स में ही आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इट्स लिमिटेशन. देन इज लैक ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन देखिए बिजनेस वर्ल्ड में मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? पैसे से, प्रॉफिट से. अगर आपके पास प्रॉफिट है आप मोटिवेट फील करते हैं, आप नेक्स्ट डे और डबल मेहनत से काम करोगे. बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रॉफिट का तो कंसेप्ट है ही नहीं. जो भी पैसा है वो आपको लोगों के बेनिफिट के लिए लगाना है. और आज के टाइम में आई थिंक सो कि आप सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू को सेकेंड प्रेफरेंस दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने पर्सनल बेनिफिट को देते हो. सो पर्सनल बेनिफिट यहाँ पर कम है इसलिए मोटिवेशन भी कम होती है. और एक आप ये सोचते हो कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स है मैं क्यों ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँ, अदर मेंबर्स है ना दे विल टेक द डिसीजन. तो हर कोई अपने आप को मेंबर की तरह फीलिंग सपोर्ट नहीं करता है और मोटिवेशन लेवल कम रहता है. अगर सब मेंबर्स फुल मोटिवेशन से काम करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बेटर अपलिफ्टमेंट एक बेटर पिक्चर लेकर आती है. बट ऑल्दो मेंबर्स एक बार स्टार्टिंग में आ जाते हैं बट वो अपना फुलफिलमेंट नहीं दे पाते जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आज भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई हैं जो हमारे अदर सेक्टर्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अचीव कर रहे हैं. देन इज डिसहार्मनी अमंग मेंबर्स. मेंबर्स की एसोसिएशन है, मेंबर इसके एक पार्ट है,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंटरनल अगर आप देखें तो मेंबर्स से ही चल रही है, और मेंबर्स में अगर कंफ्लिक्ट हो गए, इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो उनमें हार्मनी नहीं होगी, कॉपरेशन नहीं होगी। अगर उनके बीच में खुद से कॉपरेशन नहीं होगी तो हाउ विल दे हैंडल दैट बिग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज। सो बेटर है इफ यू वॉन्ट टू गेट अ कॉपरेटिव सोसाइटीज ऑन हायर पीक्स, देन मेक द एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल जिनमें आपस में विश्वास होगा, आपस में कॉपरेशन होगी, तो वो कॉपरेटिव सोसाइटीज को भी उतने अच्छे से लेकर जाएंगे। प्लस इफ कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप इंडिया की अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो जितनी ज्यादा जितने सेक्टर्स में कॉपरेटिव सोसाइटीज होंगी उनका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। आई होप दिस सेशन आपको अच्छा से समझ में आया हो। इफ यू लाइक इट, गिव अ लाइक एंड कमेंट्स योर व्यूज। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।